सलाम वालेकुम। हम फिर से हैबिट के बारे में बात करेंगे कि हैबिट एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हैबिट है क्या? हैबिट एक बिहेवियर है जो कंसिस्टेंटली करने की वजह से ऑटोमेटिक बन जाता है। ये हैबिट है, ठीक है। अब एडवर्ड है, एक साइकोलॉजिस्ट है। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसने अपनी जो कैट्स थी ना, उनको एक पिंजरे में बंद किया और एक लीवर लगा दिया उसके ऊपर बाहर निकलने के लिए दरवाजे का, कि लीवर पे कोई भी दबाएगा दरवाजा खुल जाएगा तो वो बाहर निकल जाएंगे। तो उसने टाइम रिकॉर्ड किया कि पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा कितनी देर लगी। पहली दफ़ा उनको वो लीवर पे पाँव रखने में, सीखने में उनको 2 मिनट 90 सेकंड्स लगे कि हम लीवर को दबाएंगे तो दरवाज़ा खुलेगा, और आखिरी टाइम उनको 10 सेकंड लगे लीवर पे, उनको मुड़ने में, लीवर पे पाँव रखने में और बाहर निकलने में 10 सेकंड लगे, क्योंकि उनके ब्रेन को पता था कि लीवर दबाएंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा, क्योंकि उनका बिहेवियर ये एक नॉर्मल चीज़ बन चुकी थी उनके लिए। तो इसके अंदर वो कहता है कि अगर आपका बिहेवियर बनता है रिवॉर्ड के मुताबिक, मतलब कि आपको पता है कि अगर रिवॉर्ड अच्छा आया उसका, आप सोचोगे कि यार ऐसा मैंने इस दफ़ा क्या किया है कि रिवॉर्ड अच्छा आया, और आप वही कंसिस्टेंटली करना शुरू कर दोगे और वो चीज़ आपका बिहेवियर बन जाएगी। और इसकी वजह से अब वो जो उनका एक्शन है वो एफर्टलेस हो चुका है। अब वो जो बिल्लियाँ दरवाज़ा खोल रही हैं वो उनके लिए कोई एफर्ट का काम नहीं है। अब वैसे ही आप फ़ोन पकड़ते हो, स्क्रॉलिंग करना शुरू करते हो, तो इसमें एफर्ट लगती है? कोई नहीं, क्योंकि हमें एक वो मिल रहा होता है अंदर से, यार अच्छा चलो टाइम तो ज़ाया हो रहा है पर अंदर से कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ रही, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि यार बड़ा मुश्किल काम है जो कर रहे हैं, समझ रहे हो? इस वजह से हैबिट बन जाती है बहुत जल्दी स्क्रॉलिंग करने की। तो बिहेवियर वो होता है जो आप कंसिस्टेंटली करते रहे, और बिहेवियर का मकसद ये हो जाता है कि आप वो एक्शन करें बगैर किसी एफर्ट के। अब किसी भी 4 लॉज हैं, अगर आपने कोई अच्छी हैबिट अपनानी है या कोई बुरी हैबिट छोड़नी है, उसके अंदर आपने अपने आप से 4 सवाल करने हैं। पहला सवाल कि मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। अच्छा, अगर आपने कोई अच्छी हैबिट अपनानी है तो उसके अंदर आप उसको मेक इट ऑब्वियस कर दें। लेट्स सपोज हम एक बेड की और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ बुक पढ़ने की, मेक इट ऑब्वियस आप ये कर दें कि अच्छा यार मैंने सुबह उठूंगा ना तो मैंने अपने बेड के पिल्लों पे बुक रखे सोना, ठीक है, बेड पे पिल्लों पे बुक रख के मैंने चले जाना सुबह जब मैं उठूंगा, ठीक है। अब ये आपने एक ऑब्वियस कर दिया कि जब आप रात को बेड पे आओगे आपको ये बुक मिली होगी उधर, तो आप पढ़ोगे उसको, ठीक है। अब मेक इट अट्रैक्टिव, उस बुक को अट्रैक्टिव किस तरह बनाना कि यार पढ़ूँ मैं इसको, उसके ऊपर आप कोई नोट लिख दो कि यार मैंने रोज के ना इतने पेजेस पढ़ने हैं, समझ गए आप? अट्रैक्ट मतलब कि आप एक गोल को देख के बंदा अट्रैक्ट होता है, यार मैं अगर मैं ये अचीव कर सकता हूँ तो मैं ये करूँ, अभी अचीव कर सकता हूँ तो अभी करूँ। गोल बड़ा ना लिखो, आप गोल छोटा लिखो कि यार आज मैंने हाफ पेज पढ़ना है, पेज पढ़ना है, इस तरह छोटा सा एक गोल लिख लो। एक पेज पढ़ने में ज्यादा देर नहीं लगती, आजकल जो बुक्स हैं आधी तो डायग्राम होती है उनके बीच में। अब मेक इट इजी, आपने तो पहले इजी बना दिया अपने लिए, बेड पे आपने रखी हुई है, आप रात को सोते हुए 2 मिनट पकड़ के एक पेज पढ़ के वापस रखो। अच्छा, मेक इट सेटिस्फाइंग, अब आप उससे सेटिस्फाई किस तरह से करोगे? अच्छा यार एक पेज तो पढ़ लिया, सेटिस्फाई कल को फिर आओ आप पढ़ने, वो आगे सिखाने लग जाओ आप, सिखाना बहुत सेटिस्फाइंग है। कुछ भी आप सीखो आगे फौरन सिखा दो, इससे बंदे को अंदर से भी खुशी मिलती है और याद भी बड़ा अच्छा रहता है कि यार मैंने ये सीखा था और मैंने सिखा दिया। और लेट्स सपोज आप भूल जाते हो, आपके पास वीडियो तो होगी एक जिससे आप बैक जा सकते हो, अच्छा यार मैंने ये सीखा था पर मुझे भूल गया कि क्या सीखा था, उसके अंदर रिस्पॉन्स किस तरह करना था। तो ये आप गुड हैबिट इस तरह अपना सकते हो, और बैड हैबिट भी इसी तरह छोड़ सकते हो कि आप उसको मेक इट ऑब्वियस कि आप एक बुरी आदत है आपकी, लेट सपोज आप स्क्रॉलिंग करते हो, आप उसको ऑब्वियस बनाओ अपने लिए कि यार मैं स्क्रॉलिंग करता हूँ, जानो तो सही कि मैं इसके यहाँ स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मेक इट अट्रैक्टिव, अब आप उसको अट्रैक्टिव आपके लिए अभी बना हुआ है वो स्क्रॉलिंग करना, उसको अट्रैक्टिव से ख़त्म करना है, वो किस तरह करेंगे? आप अपने आप को समझाओ कि यार टाइम ज़ाया हो रहा है भाई, समझ रहे हो? उसके आप स्क्रॉलिंग करने जा रहे हो, उन ऐप्स का टाइमिंग रख दो, उन ऐप्स पे लॉक भी लगता है आजकल, आपको पता है सैमसंग पे तो लगता है, आईफोन का मुझे नहीं पता, आप लॉक लगा दो कि यार इतनी देर से ज़्यादा मैं नहीं देखनी ये ऐप, ठीक है।
उसके बाद आप मेक इट इजी अपने लिए, आप वो चीज मुश्किल बना दो और वो चीज आसान बना दो अपने लिए जो आपने उसके उल्ट में करनी है। ठीक है, आपने अपने लिए स्क्रॉलिंग इजी बनाई हुई है, उसको अपने लिए मुश्किल बना दो और वो चीज जो आपने उसके बदले में करनी, कुछ तो सोचा ही होगा ना, स्क्रॉलिंग नहीं करनी तो ये करना, वो अपने लिए चीज इजी बना दो। अब मेक इट सेटिस्फाइंग। अच्छा, जब आप स्क्रॉलिंग कर लो ना, उसके बाद जो आपने अपना काम सोचा हुआ कि यार मैंने ये करना है, वो काम की तरह अमाउंट बढ़ा दो अपने लिए सजा के तौर पे कि यार ये मैंने स्क्रॉलिंग इतनी देर की है, मुझे स्क्रॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये काम करना चाहिए था, उस काम का टाइम बढ़ा दो। एट द एंड ऑफ द टाइम कभी ना कभी तो स्क्रॉलिंग वाली आदत छोड़ ही जाएगी। अगर ज़्यादा जल्दी छोड़नी है तो भावें अपना वो ज़्यादा कर दो टाइम, जो आपने दूसरा काम करना था ना उसका टाइम डबल कर दो, सिर्फ उस टाइम के लिए जब तक आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो। जब आप अगर आपके माइंड को पता चले यार मैंने स्क्रॉलिंग की ना, मुझे वो काम ज़्यादा करना पड़ेगा, स्क्रॉलिंग नहीं करोगे, बस इतनी सी बात है। बाकी अगले चैप्टर में इंशाल्लाह, अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।